Assalamualaikum, welcome back to Aysha's kitchen. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चटपटा कीमा। देखते हैं इसके लिए मैं क्या-क्या चीज़ें चाहिए। कीमा आधा किलो, आलू दो अदद छोटे टुकड़ों में काट लें, प्याज दो अदद दरमियानी साइज़ की, अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, दही 1/2 कप, टमाटर दो अदद दरमियानी साइज़ के, ऑयल 1/2 कप, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, 3 से 4 अदद दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालकर इसमें प्याज डाल दें, और प्याज को गोल्डन ब्राउन करें। अब इसमें कीमा डाल दें, पांच मिनट भूने। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और 2 मिनट भून लें। अब इसमें लाल मिर्च, चाट मसाला, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें टमाटर डाल दें, अब इसे ढककर टमाटर गलने तक लो फ्लेम में पकाएं। टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें आलू, दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल दें, मिक्स करें। अब इसे ढककर 20 से 25 मिनट लो फ्लेम में पकाएं। अब इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर ढककर पानी खुश होने तक पकाएं। अब इसमें हरी मिर्च डालकर 2 मिनट भूनें। चटपटा आलू कीमा तैयार है, अब इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। खुश रहें, मुझे और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।